सुप्रभा धनबाद पब्लिक स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए कहानी कहने और सुनने के महत्व से सभी को अवगत कराना चाहता है। कहानी कहना और सुनना एक ऐसा कौशल है जिससे विद्यार्थियों में सामाजिकता, नैतिकता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, एकाग्रता जैसे अनेक गुण विकसित होते हैं। अतः आपके समक्ष मैं कक्षा तृतीय अ का छात्र अर्णव कुमार चंद्रा आपके सामने एक बहुत ही रोचक और शानदार कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है ईमानदार लकड़हारा। एक समय की बात है, एक जंगल के पास एक लकड़हारा रहता था। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी। वह रोज दूर जंगल पेड़ काटने जाता था। उसे पेड़ काटकर जो पैसे मिलते थे उसी से वह अपने पूरे परिवार का जीवन चलाता था। ऐसे चलते चलते एक दिन जब वह सुबह नींद से उठा तो उसने देखा कि उसके घर में खाने को कुछ नहीं है। वह अपना कुल्हाड़ी लिया और निकल पड़ा काम करने। वह दूर जंगल में अपनी कुल्हाड़ी लेकर काम करने लगा। काम करते करते उसकी कुल्हाड़ी अचानक से पानी में गिर गई। वह पेड़ से उतरा और जोरों से रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर पानी के देव वरुण देव प्रकट हुए और पूछे, क्यों रो रहे हो तुम? लकड़हारा ने वरुण देव को नमस्कार किया और बोला, मेरी एक कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। आपसे निवेदन है कि वह कुल्हाड़ी मुझे लाके दें। उसके बाद वरुण देवता बोले, हाँ ठीक है, रुको मैं अभी लाके देता हूँ। उसके बाद वरुण देवता ने पानी में डुबकी लगाई और एक सोने की कुल्हाड़ी ले आए और लकड़हारा से पूछे कि क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा बोला, नहीं नहीं, यह तो सोने की है, यह मेरी नहीं है। फिर वरुण देव पानी में डुबकी लगाए और एक चांदी की कुल्हाड़ी ले आए और लकड़हारा से पूछे कि क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा बोला, नहीं नहीं, मैं ठहरा एक गरीब इंसान, इतनी महंगी महंगी कुल्हाड़ी कहाँ से खरीदूंगा? मेरी तो एक छोटी सी लोहे की कुल्हाड़ी थी, वही तो पानी में गिरी है। वरुण देव अब की बार पानी में डुबकी लगाए और असली कुल्हाड़ी ले आए और लकड़हारा से पूछे कि क्या यह है? लकड़हारा खुश होकर वरुण देव से बोला, धन्यवाद वरुण देव, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। फिर वह जा ही रहा था कि वरुण देव से वह पूछा कि आपको यह कुल्हाड़ी कहाँ से मिली? वरुण देव बोले, वह तो पानी में थी। खैर, तुम्हें मैं यह सोने और चांदी की कुल्हाड़ी मुफ्त में मेरी तरफ से देता हूँ। तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई को देखकर मैं प्रसन्न हुआ। फिर लकड़हारा खुश होकर घर जाने लगा। वह घर जाके शाम को अपने दोस्तों से मिला और पूरी कहानी उन लोगों को सुनाई। सब खुश हुए, परंतु एक दोस्त बहुत लालची था। वह मन ही मन यह चाल फिर से चलने की बात कर रहा था। हाँ, उसने कहा, हाँ हाँ, यह तो करना पड़ेगा। कल मैं एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल में पेड़ काटने जाऊंगा। हाँ, यह ठीक रहेगा। फिर अगले दिन ही वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने चला गया था। वह एक सब्जी बेचने वाला था।
लेकिन उसे पेड़ काटना बिल्कुल नहीं आता था। वह कुछ भी करके सिर्फ कुल्हाड़ी ठोक के वह पानी में जानबूझकर गिरा दिया। वह पेड़ से उतरकर जोरों से रोने लगा और रोने की आवाज सुनकर पानी के देव वरुण देव प्रकट हुए और पूछे, क्या क्यों रो रहे हो तुम? क्या समस्या है तुम्हारी? उसने कहा कि मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है, क्या आप मुझे वह दे सकते हैं? वरुण देव ने फिर से पानी में डुबकी लगाई और सोने की कुल्हाड़ी ले आए और उससे पूछे, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उसने कहा, हाँ हाँ यही तो मेरी कुल्हाड़ी है। वह बोला, वरुण देव मेरी तो और एक थी, क्या आप मुझे वह दे सकते हैं? वरुण देव बोले, हाँ हाँ अभी देता हूँ। फिर वह चांदी की कुल्हाड़ी उसे पूछकर बोले, क्या यह है? वह बोला, हाँ हाँ यह है। फिर वरुण देव पूछे, तुम्हारी तो और एक थी ना? वह बोला, हाँ हाँ मेरी तो और एक कुल्हाड़ी थी। फिर वरुण देव ने वह असली कुल्हाड़ी उसे दिखाई और पूछे, यही थी ना? हाँ हाँ वह बोला, हाँ हाँ जी हाँ यह मेरी थी। धन्यवाद। वह धन्यवाद तो बोल दिया था, लेकिन वरुण देव उससे बहुत नाराज थे। वह बोले, रुको यह तीनों कुल्हाड़ी मुझे वापस करो, क्योंकि मैं सोने और चांदी की कुल्हाड़ी उसी को दे सकता हूँ जो ईमानदार और सच्चा हो। तुम बहुत लालची हो और तुम्हारी वह असली कुल्हाड़ी भी तुम्हें मुझको लौटानी पड़ेगी और मैं तुम्हें यह तीनों कुल्हाड़ी कभी नहीं लौटाऊंगा। लालच कभी मत करना। वह रोते रोते घर गया। धन्यवाद। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। इसलिए तो कहते हैं लालच बुरी बला है और ईमानदारी से अपना पूरा जीवन अच्छे से बिताना चाहिए। मिलते हैं अगले हफ्ते और एक नई कहानी के साथ। धनबाद पब्लिक स्कूल इज अ हैप्पी स्कूल।